यह कहानी प्रारंभ होती है एक अद्भुत राजमहल में, जहां शेरों के राजा मुफासा और रानी सराबी ने अपने बच्चे सिम्बा को जन्म दिया। सिम्बा की जन्म के साथ ही जंगल के हर जानवर ने उसे आदर और सम्मान से देखा। लेकिन मुफासा के भाई स्कार, जो जल्दी ही राजा बनना चाहता है, ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने भाई को मार दिया और सिम्बा को देश छोड़ने के लिए कहा। सिम्बा ने अपने दोस्तों टिमन और पुम्बा के साथ एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वह हकूना मताता का आनंद लेता रहा। लेकिन उसका पास एक महत्वपूर्ण गति है, जब उसे उसके गुरु मंदा और भाई नाला की मदद से वापस आना पड़ता है। सिम्बा को अपने सच्चे धर्म का पता लगता है और वह मुफासा की मृत्यु की सच्चाई का सामना करता है, जिसके लिए उसका भाई स्कार जिम्मेदार है। एक बड़ी लड़ाई के बाद सिम्बा अपने संपूर्ण धर्म का अधिकारी होता है।